नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, जैसा कि एजुकार्ड की तरफ से एक प्री बोर्ड एग्जाम्स हुई बहुत ही कम कॉस्ट पे, नहीं तो फ्री आपके लिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कुछ बच्चों के लिए फ्री है और कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम से कम पैसा देना है। कम से कम कॉस्ट पे आपको एक प्री बोर्ड पेपर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और टोटल बोर्ड के हिसाब से होगा। जैसे बोर्ड के पेपर्स आते हैं उसके हिसाब से आपके उसके पेपर्स होंगे, उसके साथ साथ जो मार्किंग स्कीम डाली गई है जो उसको टीचर्स चेक करेंगे, वो ऐसे टीचर्स चेक करेंगे जो बोर्ड के कॉपीज चेक करते हैं और उसके हिसाब से उनको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। जो बच्चे इसमें अच्छा करेंगे उनको प्राइज भी दिया जाएगा और ये टोटल बोर्ड की तरफ पेपर होने जा रहा है, जो कि एजू है यानी एजू मंत्रा वाली कंपनी करा रही है। यूट्यूब चैनल भी है संजीव सर का, जो कि है एजू मंत्रा के नाम से, और उनकी ही कंपनी है एजुकार्ड, वो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करा रही है। आप एजुकार्ड के बुक देखते हैं, एजुकार्ड के बुक बहुत ही फेमस हैं और इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्स हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बिक भी रहे हैं मार्केट में। तो ये एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स है और इसको आपको टोटल उतना ही टाइम दिया जाएगा, उतने हिसाब से आपकी मार्किंग स्किप निर्धारित की गई है और बोर्ड वाले जो टीचर्स हैं वही कॉपी चेक करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ये ओरिजिनल बोर्ड वाले चेक करेंगे, ये एजुहेप की कंपनी चेक नहीं करेगी, ये टीचर्स चेक करेंगे। इसके लिए आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप अगर बाय का ऑप्शन दिख रहा है तो जल्द से जल्द उसको बाय करने का प्रयास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसमें स्कोर कर गए तो ये मान कर के चलिएगा कि 70-80% पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, वो उसी से मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि इसको जरूर लीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम लोग देखकर वीडियो बनाते हैं या आपके साथ शेयर करते हैं कि जिससे लोगों का फायदा हो, जिससे बच्चों का फायदा हो जो कि 10th में है। तो इसलिए हम लोग ये बना रहे हैं। मैथ साइंस सारे का आपका ये पेपर होने वाला है, फ्री बोर्ड पेपर होगा एजुहेप की कंपनी के तौर पर, और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको ऑनलाइन माध्यम से भी भेज दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर नीचे विजिट करें और एक बार और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको जाइए लीजिए। और अगर आप उसमें कर लिए स्कोर, अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिएगा, ये मत करिएगा कि ये एक टाइप का प्रैक्टिस है, उसको जी जान लगा कर इसको दीजिएगा। ये मान करके चलिएगा कि आप वो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं क्लास 10th का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जब आप ये मान कर देंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करने का, परसेंटेज गेन करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इस तरह करेंगे कि ट्राई कर रहे हैं या ये एक ट्रायल है, तो इस तरह आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। और बोर्ड बहुत ही नज़दीक आ गया है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है, क्योंकि सैंपल पेपर्स या क्वेश्चन बैंक आप लगाते हैं तो आपको ये रहता है कि आप तुरंत आंसर देख लेते हैं, या अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप तुरंत देख लेते हैं कि कैसे गूगल सर्च कर लेते हैं। तो जो आपका सीखने का वो है वो नहीं कई बार हो पाता है, तो उसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके टीचर्स चेक करने वाले हैं, कोई गूगल कोई कुछ चेक नहीं करेगा। और कैसी मार्किंग स्कीम बोर्ड में दी जाती है उसके हिसाब से वो चेकर्स आपको नंबर भी देने वाले हैं, उतने ही मार्क्स का ये पेपर होगा। तो जाकर उसको लीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए मैंने आपसे सभी के लिए बना दिया कि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए जाकर लीजिए और मुझे बताइएगा कि एग्ज़ाम बाद आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले ही ऐसे बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ। और जो सैंपल पर से वीडियो बचे हुए हैं हमारे चैनल पर वो अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे विद्या का किया गया है, उसवाल का किया गया है, एजुकार्ड का भी किया गया है सैंपल पर या क्वेश्चन बैंक का रिव्यू, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग और भी नए वीडियोज़ लाते रहेंगे और पुराने वीडियो जाकर विजिट कर लीजिए, हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।